दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट कल क्रिकेट टूर्नामेंट में बाल विद्या मंदिर स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बाल विद्या मंदिर स्कूल का अच्छा प्रदर्शन रहा और फाइनल तक टीम खेली, लेकिन फाइनल मैच में बाल विद्या मंदिर स्कूल 2 रनों से हार गया। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुरादाबाद सोनकपुर स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें गांधीनगर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद व बाल विद्या मंदिर स्कूल संबल के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें बाल विद्या मंदिर स्कूल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। इस लिहाज से गांधीनगर पब्लिक स्कूल ने पहले खेलते हुए 8 ओवर में 59 रन बनाए। गांधीनगर पब्लिक स्कूल ने पहले खेलते हुए 8 ओवर से 59 रन बनाए और 60 रन का लक्ष्य बाल विद्या मंदिर स्कूल संबल को दिया था। अंत तक आते आते मैच रोमांचकारी होता चला गया और अंत में 13 रनों की आवश्यकता थी। सानिया ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके लगाए, लेकिन सानिया के आउट होने के बाद 3 गेंदों में 5 रनों की आवश्यकता रह गई थी, पर बाल विद्या मंदिर स्कूल संबल को 2 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। टीम का संबल आगमन पर बाल विद्या मंदिर स्कूल के प्रधानाचार्य व स्टाफ ने टीम का भव्य स्वागत किया और आगे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहवर्धन किया। हुकूमत एक्सप्रेस ने टीम कोच व कप्तान से बात की, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? सानिया। मुरादाबाद में आपने टूर्नामेंट खेला था, इसमें क्या रहा? हम लोग फर्स्ट रनर अप थे, सिर्फ 2 रन चाह रहे हैं, दुख है लेकिन एक खुशी भी है जिस तरीके से परफॉर्म किया सबने। अगर ये टीम नहीं होती सच में ये मुश्किल था जीतना, एंड थैंक यू सबको, थैंक यू मेरी तरफ से। अच्छा, क्या मानती हैं किस कारण आपकी हार हुई, क्या लूज फील रहा आपका? लास्ट में 3 रन 5 रन चाहिए थे, तो शॉर्ट 6 मारने के चक्कर में वो विकेट गया, इस वजह। यस, मैं कर रही थी लास्ट में। प्रेशर नहीं था, वो बड़े शॉट के चक्कर में मैंने अपना विकेट खोया, तो लेकिन दुख है लेकिन एक खुशी भी है, जीते हैं हम लोग। स्कूल के गर्ल्स टीम, गर्ल्स क्रिकेट टीम ने 8th इंटर स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, जो मुरादाबाद में हुआ था, और उसमें फर्स्ट रनर अप रहे और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं सारे टीम मेंबर्स को बधाई देता हूँ, कोचेस को बधाई देता हूँ और आगे और भी सफल होने की कामना करता हूँ। मुरादाबाद में ये अंतर जनपदीय गर्ल्स क्रिकेट का टूर्नामेंट था, जिसमें आज क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले गए थे, और जो फर्स्ट राउंड था वो कल खेला गया था, जिससे 32 टीमें थी इसमें, और 32 में से राउंड 16 में 16 टीम आई, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मैच आज खेले गए। क्या रहा रिजल्ट आपकी टीम का? सर, क्वार्टर फाइनल हमारा आज DMA रामपुर से था, जिसमें हम 9 विकेट से जीते। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल था विल्सोनिया स्कॉलर होम्स, इसमें भी हमने 10 विकेट से हमने इसमें जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल का रिजल्ट आपको क्या रहा? फाइनल मैच हमारा जो होस्ट टीम थी गांधीनगर पब्लिक स्कूल, उसके साथ था, और बहुत ही क्लोज एंड टाइट मैच था वो, जिसमें हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने 8 ओवर्स में 60 रन का टारगेट हमको दिया, और वो 60 रन का टारगेट हमने लास्ट ओवर में, हमको 13 रन की रिक्वायरमेंट थी, बट सानिया ने बहुत अच्छा खेला, जिसमें उसने 2 चौके लगाए, और लास्ट में हमको 3 गेंदों पे 5 रन की रिक्वायरमेंट थी, बस बैड लक सानिया आउट हो गई, उसके बाद में टीम पर प्रेशर हुआ और हम 2 रन से फाइनल में हार गए। ऐसे कोच, एक तो जो प्लेयर का पार्टिसिपेशन है हमारा, केवल संबल में एक ही इकलौता स्कूल है ये, जिसमें केवल गर्ल्स वगैरह क्रिकेट खेलती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम ऐसा करेंगे कि उनको प्रैक्टिस मैच के लिए कहीं बाहर लेकर जाएं, अदर स्कूल में लेकर जाएं और स्टेडियम में लेकर जाएं, क्योंकि ग्राउंड भी बड़ा था वहाँ पर, और जो फुल ग्राउंड में गर्ल्स ने पहली बार वहाँ पर परफॉर्म किया है। थैंक यू।